नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभा लोहारिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम महिलाओं की उम्र के एक पड़ाव पर होने वाले शारीरिक एवं मानसिक बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे। और हाँ, मेल शुड ऑल्सो लिसन टू इट केयरफुली सिंस दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेमेन हेल्थ इशू। सो लेट्स टॉक अबाउट मीनोपॉज और रजोनिवृत्ति। व्हेन अ वुमन स्टॉप्स मेंस्ट्रुएटिंग फॉर वन ईयर बिटवीन द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स, वी से दैट शी हैज अटेन मीनोपॉज। इन इंडिया इट्स एवरेज एज इज अबाउट 46 ईयर्स। अब ये वो समय है जबकि बच्चे हर क्लासेस में पढ़ने लगते हैं और हस्बैंड भी अपने जो है रूटीन में बिजी रहते हैं, और मीनोपॉजल सिम्टम्स की वजह से महिला ये समझती है कि बस अब तो बुढ़ापा आ गया। आई हैव लॉस्ट माई फेमिनिटी, एवरीबडी इन द हाउस इज बिजी इन देयर ओन वर्क, देयर इज नोबडी टू लुक आफ्टर मी। तो क्या है ये मीनोपॉज, इसके क्या कारण हैं, सिम्टम्स क्या हैं एंड हाउ टू मैनेज इट, वी आर गोइंग टू डिस्कस। अराउंड 40 ईयर्स इन फीमेल्स द ओवरीज विच दे प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन, द लेवल ऑफ दिस हार्मोन गोज ऑन डिक्लाइनिंग, सो दैट इन नेचुरल मीनोपॉज द सिम्टम्स दे अपीयर 4 to 5 ईयर्स बिफोर द एक्चुअल मीनोपॉज अपीयर्स। In contrast to this, in surgical menopause, the symptoms develop abruptly, as in cases when the uterus or the ovaries are removed surgically. Menopause, agar radiotherapy is given to the pelvic organs for cancer, then also it can develop. Premature menopause, matlab agar menopause 40 years ke pehle ho jata hai, toh it could be because of the premature ovarian failure or genetic causes. Now we'll be discussing about the symptoms. अब ये जरूरी नहीं है कि हर महिला में सारे symptoms ही आए। The most common symptom is menstrual disturbances. A woman having a fixed pattern of menstrual cycle, there is change in it. अब क्या क्या changes हो सकते हैं? The menstruation may be delayed, may be at interval of 2 to 3 months, and the flow is prolonged, or the amount of loss may be scanty or it may become excessive, or at times the menstruation becomes very frequent, maybe at interval of 15 to 20 days, and in some lucky women no abnormality and the menopause comes automatically. So the another symptom is hot flushes and night sweats. It's very common. अचानक ठंड लगना या गर्मी लगना, पसीना आ जाना, एसी चल रहा है तो भी। अनदर इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज मूड स्विंग्स, कभी खुशी तो कभी गम, इंक्रीज इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, किसी काम में मन नहीं लगना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, बात बात पर रोना आना एंड फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। और बाल भी जैसे पतले हो जाते हैं एंड दे लूज देयर नेचुरल शाइन। Then the skin becomes dry, the wrinkles appear over the face and the neck. The vagina becomes also dry, so that there is increased incidence of itching and sexual drive is decreased and the act becomes painful. The breast also becomes loose because of the loss of fatty tissue. There is increase in weight also because of the slow metabolism. Then urinary symptoms. There is increased incidence of recurrent urinary tract infection. And another important thing is incontinence. That is, थोड़ा सा खांसने या छींकने पे there is leakage of the urine. And it's a very, very embarrassing situation, especially if a woman is in a social gathering. And because of the weak pelvic floor muscles, the uterus may descend down. Then another thing is the muscles, they lose their tone. The late complications are cardiac complications because of high BP and cholesterol, and also
ऑस्टियोपोरोसिस दैट इज द फ्रैक्चर रिस्क इज इंक्रीज। तो अब क्या किया जाए जब सिम्टम्स आ गए? कंसल्ट गायनेकोलॉजिस्ट। ना आप उनके पास जाएंगे तो कुछ प्रारंभिक जांचें होंगी और उनसे ये पता चलेगा कि मीनोपॉज हो गया है या नहीं, और अगर मीनोपॉज हो गया है तो किस प्रकार इसकी शॉर्ट टर्म एंड लेट कॉम्प्लिकेशन से बचाव किया जाए। तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन जैसे हीमोग्लोबिन, थायराइड प्रोफाइल, डायबिटीज के टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, देन बोन डेंसिटी मीटरी, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी इफ रिक्वायर्ड, लोकल पेल्विक एग्जामिनेशन एंड स्क्रीनिंग फॉर द कैंसर सर्विक्स एंड ऑल्सो अल्ट्रासोनोग्राफी में भी डन। और भी टेस्ट होंगे अगर आप ऑलरेडी किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि इसका क्या इलाज है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द वुमेन नीड्स एट दिस टाइम इज सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, स्पेशली फ्रॉम द चिल्ड्रन एंड हस्बैंड। देन शी शुड टेक केयर ऑफ हर डाइट एंड सम लाइफस्टाइल चेंजेस एंड मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड ओनली इन फ्यू केसेस। नाउ व्हाट अबाउट द प्रॉपर डाइट? शी शुड टेक प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फूड विच इज रिच इन फाइटोइस्ट्रोजन्स, इन कैल्शियम, प्रोटीन, वाइटामिन डी लाइक सोयाबीन, टोफू, पनीर, ब्रोकली, फ्लैक्स सीड्स, रेजिन्स, दालें एक्सेट्रा। देन अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, सैचुरेटेड फैट्स, डीप फ्राइड फूड और मसालेदार चटपटे भोजन ना खाएं। टेक हाई फाइबर डाइट, दिस विल हेल्प इन कीपिंग रिलीविंग फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल्सो इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द कैंसर। हाइड्रेट योर सेल्फ, टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। नाउ वॉट इट विल डू, द स्किन विल बिकम सॉफ्ट एंड देर बी डिक्रीज चांसेस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिमेंबर डोंट होल्ड यूरिन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ऑल्सो डू नॉट स्किप योर ब्रेकफास्ट बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। जिस प्रकार प्रेग्नेंट महिला अपना ख्याल रखती है उसी प्रकार मीनोपॉज में महिलाओं को अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। नाउ सर्टन लाइफ स्टाइल चेंजेस ऑल्सो हेल्प्स, लाइक यू डू रेगुलर एक्सरसाइज। वॉट इट विल डू, इट विल प्रोटेक्ट योर हार्ट, इट विल इम्प्रूव योर बोन हेल्थ एंड ऑल्सो इट विल प्रिवेंट द हाई बीपी एंड डायबिटीज। देन यू शुड अवॉइड टेकिंग कैफीन एंड एल्कोहल द एक्सेसिव अमाउंट, एंड द एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग ऑल्सो इज हार्मफुल एज इट मे ट्रिगर द हॉट फ्लशेस। देन टू रिलीव द स्ट्रेस डू मेडिटेशन, प्रेयर्स, सत्संग एंड योर स्लीप शुड बी यू नो रेगुलर टाइम, यू शुड हैव प्रॉपर स्लीप। डेवलप सम हॉबी लाइक म्यूजिक, रीडिंग और गार्डनिंग, एंड यू शुड वियर लूज कॉटन क्लोथ्स। देन ईयरली चेकअप बाय गायनेकोलॉजिस्ट इज ए मस्ट, एंड इफ यू आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम सब डिजीज देन यू मस्ट टेक द रेगुलर मेडिकेशन। नाउ मेडिकेशन, योर गायनेकोलॉजिस्ट मे प्रेस्क्राइब यू द हार्मोन थेरेपी दैट इज द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन और देयर कॉम्बिनेशन। द नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट इज द सप्लीमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड वाइटामिन डी मे बी गिवन। फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स वजाइनल क्रीम एंड ल्यूब्रिकेंट्स मे बी प्रेस्क्राइब्ड। देन लोकल हार्मोन थेरेपी द शॉर्ट कोर्स इज गिवन फॉर ईचिंग। देन सम वीमेन मे रिक्वायर एंटी डिप्रेसेंट्स ऑल्सो। सो इन द एंड आई वुड से दैट मीनोपॉज इज द नॉर्मल फेस ऑफ लाइफ इन एवरी वीमेन्स लाइफ। ये कोई बुढ़ापे का चिन्ह नहीं है, ये तो एक नई पारी की शुरुआत है। सो यू ईट हेल्दी फूड, स्लीप वेल, हाइड्रेट योर सेल्फ, डू रेगुलर एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन, इंडल्ज इन वेरियस एक्टिविटीज, एनहांस योर सोशल स्किल्स एंड
enjoy this piece of life. Thank you.